অনুপকা জি विशाल पहले रील्स बना लेना तू बना ना तेरे कहाँ से बन रहा लंबा खड़ा रखूँगा तेरे रूम का मंदिर है तेरे रील्स मिलेगा अच्छा भाई भाई रुकना मत जाना यार अरे मुंह पे क्यों जा रहा है तुम लोग रील्स मैं कहाँ से बना रील्स उत्तर रुक तेरे रुक तेरे एक रील्स बना तू हमारे तो तेरे यार एक बना ना एक गाली पकड़े गाली क्यों दे रहे हैं मैं वहीं पर रुकी मैम रुकी एक मिनट अनुष्का जी वेट मैम अभी एकता मैम का सवाल है लॉकअप करके क्या मैम आपको अप्रोच किया गया नाम तो सुनने में आ रहा है आप जा रहे हो जन्नत जुबेर फैजू जी और अवनीत कौर नाम आगे चल रहे हैं क्या आपको ऑफर किया गया है लॉकअप जी अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए बात हो रहे हैं तो देखते हैं कि मैं रिवील नहीं करना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट हो वो सरप्राइज हो तो इसलिए और तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि कंगना जी सो हॉट जी क्या ओके तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है एंड क्योंकि मतलब जितने भी फिल्म से मैंने सब देखा हुआ है एंड वो फर्स्ट सब लोगों के लिए तो ऑल द बेस्ट एकता मैम को एंड कंगना मैम को और मैम अभी अश्नूर जी का भी सॉन्ग आ रहा है आज ही उन्होंने पोस्ट डाले उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे आपके क्या प्रोजेक्ट था अभी आने वाले वही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर बात हो रही है तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि सब फाइनल हो तो मैं आप सबके साथ हमेशा मैं अपने फैंस के साथ शेयर करती हूँ बहुत सारी चीज़ें जो लाइन अप है सो आई एम वेरी एक्साइटेड आपने गंगूबाई का ट्रेलर देखा जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा आई थिंक आलिया भट्ट वैसे एक एक्ट्रेस है जो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो इतनी अलग अलग टाइप के रोल्स कर रही है तो गंगूबाई को मतलब बहुत ही अच्छा रोल है और मैं अभी हाल ही में लता मंगेशकर जी की डेथ हो गई थी उनके बारे में क्या कहना चाहूँ मैं तो ये कहना चाहूँगी कि वो इंडिया की मतलब हमारी जेम थी एंड बट वो मैं ये विश्वास रखती हूँ कि जब ऐसे कोई लोग चले आते हैं वो कभी हमेशा मतलब कभी पूरी तरह से नहीं जाते हैं क्योंकि उनके गाने हमारे साथ तो वो हमेशा हम सबके दिल में रहेंगे तो ऑफकोर्स रेस्ट इन पीस एंड हम उनके गाने सुनते रहेंगे ऐसे ही और 100 साल 200 साल उनके गाने चलते रहेंगे हम उन्हें याद करते रहेंगे थैंक यू सो मच थैंक यू नाइस टू मीट यू